Yes. जम्मू के लोगों के लिए पहले तो मेरा नसीब है कि 26 जनवरी को यहाँ पे आने को मिला गोल्डन गाइस को। मैं आए थे हम लोग कल वैष्णो देवी दर्शन करने और आज हमें इतना बड़ा मौका, ये वो इंडिया का सबसे बड़ा मौका है कि हमें ये मिला आज करने का, मतलब नसीब हुआ ने हम दोनों भी भाई। उसके साथ अभी तो कुछ प्लान नहीं किया था, कल का प्लान था जैसे हम लोग वैष्णो देवी गए थे, उसके बाद सबसे बड़ा प्लान तो ये था आज का हमारा। जम्मू किस तरह प्यार में करने बहुत बहुत ज्यादा, कहीं भी जाते हैं पूरे इंडिया में पर स्पेशली जम्मू से, जम्मू में हम लोग वैष्णो देवी दर्शन आते तो जब हम नीचे से ऊपर तक जाते पूरा प्यार ही प्यार मिलता है हमको जम्मू में। आपका दूसरे से तीसरा टूर है जम्मू का, आगे अगर टूर होगा तो जरूर आएंगे? जरूर आएंगे, वैष्णो माँ हमेशा बुलाते रहे पर अगले टाइम हम लोग आएंगे, नेक्स्ट टाइम जब आने वाले तब जम्मू में वैष्णो देवी की आरती करने आने वाले। पहले तो हम गोल्डन गाइस आज बहुत प्राउड फील कर रहे क्योंकि जम्मू में हमको तिरंगा लहराने को मिला है हमारे विकुल भाई और जेडी भाई की वजह से। आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं। तो दूसरी बात, आपने बोला जम्मू के लोग बहुत प्यार करते हैं हमें, नहीं तो हम पुणे वाले यहाँ जम्मू क्यों आए? जैसे विकुल भाई हो, ये हो, और गोल्डन गाइस कल हम माथा टेकने गए थे तो तुमको लिटरली बोला मतलब नीचे से चलते ऊपर तक कम से कम 2000 लोगों ने फोटोज खींचे हो गए हमारे साथ। तो इतना सारा प्यार जम्मू से मिलता है और आकर हमने हमारे गोल्डन गाइस एनजीओ की तरफ से एक 5000 फ्रूटी कैन का भी डिस्ट्रीब्यूट किया उधर माता के मंदिर में भवन के वहां पे। तो हम एक एनजीओ भी चला थे तो उस माध्यम से गरीब लोगों को भी खाना रखते है एवरीडे। कश्मीर या लद्दाख जाने का क्या प्लान है? देखते हैं, अभी कश्मीर वाले बुलाएंगे तो कश्मीर भी जाएंगे, वो भी अपना ही है। आज 26 जनवरी के दिन मैं पूरे देशवासियों को और जम्मू कश्मीर वासियों को मुबारकबाद देता हूं और आपसी भाईचारा कायम रखें, ये नफरतों की दीवारें जो हैं वो हमारे बीच में ना रहें, हम सब लोग मिलजुल कर रहें। जय हिंद, जय भारत।